हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके द्वारा डेली यूज प्रोडक्ट्स का आविष्कार कब, क्यों और कैसे हुआ उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 3, टूथब्रश। टूथब्रश के शुरुआती रूपों का उल्लेख लगभग 3000 साल पुराना है, जब इजिप्ट और बेबीलोन के लोग चीव स्टिक्स का उपयोग करते थे। पहला ब्रिसल यानी टूथब्रश का ये वाला भाग जैसा टूथब्रश चीन में 1498 में बनाया गया था, जिसका हैंडल बांस का और ब्रिसल सुअर के बालों का होता था। इसे हॉग ब्रिसल टूथब्रश कहा जाता था और इस तरह के टूथब्रशेस का उपयोग 1900 ईस्वी तक होता था। 1938 में पहली बार नायलॉन की ब्रिसल वाला टूथब्रश को डुपोंट डे न्यूमोर्स कंपनी द्वारा बनाया गया। 1977 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा एक टूथब्रश को लोगों के सामने पेश किया गया, जिसे रिच नाम दिया गया। यह पिछले टूथब्रश से काफी भिन्न था क्योंकि इसमें एक एंगल्ड हेड लगा हुआ था। 1978 में डी जॉर्ज सी द्वारा कोलिस कर्व टूथब्रश विकसित किया गया, जो घुमावदार ब्रिसल्स वाला पहला टूथब्रश था। और आज के समय में बहुत तरह के टूथब्रश बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इंटरप्रॉक्सी ब्रश, हैंडल टफ ब्रश आदि है। नंबर 2, टेलकम पाउडर। टेलकम पाउडर को सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन, बेटर नोन एज जॉनसन बेबी ने 1893 ईस्वी को पब्लिक के सामने लाया। इसे बनाने का श्रेय फ्रेडरिक बी किल्मर को जाता है। 1892 ईस्वी को उन्हें एक डॉक्टर के द्वारा एक पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि पेशेंट्स को मलम लगाने के बाद उन्हें जलन होती है, तो इसे कम करने के लिए आप किसी चीज को इन्वेंट कीजिए। उसके बाद फ्रेडरिक बी किल्मर ने टैल्क, जो एक मिनरल होता है, उसे एक पाउडर बनाया और उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। फिर इसे पब्लिकली जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बेबी पाउडर नाम से पेश किया। जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर लेबल पर एक बच्चे की फोटो होती है, जो रॉबर्ट वुड जॉनसन की पोती मैरी ले जॉनसन थी, और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की शुरुआत यहीं से हुई थी। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फैन। पहला इलेक्ट्रिकल फैन 1882 में सियुलर व्हीलर द्वारा बनाया गया था, मगर पहला सीलिंग फैन फिलिप डाईहाल ने 1882 ईस्वी को बनाया। फिलिप डाईहाल एक जर्मन अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर और आविष्कारक थे, जिन्होंने सीलिंग फैन के साथ साथ इलेक्ट्रिक लैंप, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर का भी आविष्कार किया। फिलिप डाईहाल भी थॉमसन एल्वा एडिसन के वर्कशॉप में काम करते थे। सीलिंग फैन के आविष्कार के पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। जब उन्होंने सियुलर व्हीलर के इलेक्ट्रिकल फैन को देखा, तो उस फैन में उन्होंने सिलाई मशीन के मोटर को जोड़ दिया और उसे छत पर लटका दिया, और इस तरह पहला इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन बनाया गया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे अपना बहुमूल्य लाइक जरूर दे। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। यार मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय धरती माँ।